स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर देहात के एसपी स्वप्निल ममगाई की पहल से जनता को मुकदमों में अब जल्द न्याय मिलेगा। दरअसल इस प्रकरण में विवेचकों को विवेचना संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहाँ कानपुर के विशेषज्ञों ने 100 विवेचकों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विवेचना का प्रशिक्षण, साथ ही आर्थिक अपराध, महिला अपराधों की विवेचना में प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण पुलिस लाइन के नवनिर्मित प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। श्रावस्ती में जिला मुख्यालय के दीवानी कचहरी के सामने से पुलिस प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। बता दें कि कई वर्षों से रास्ते पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। इस मौके पर एसडीएम सदर प्रवेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। ये पूरा मामला कोतवाली भिनगा के जिला मुख्यालय का है। बस्ती में शासन के अधिकारियों को अपने सरकारी दफ्तरों में पहुंचने की समय सीमा निर्धारित की है, लेकिन उनकी समय से कार्यालय पहुंचने का तरीका नहीं बदल रहा है, जिसकी जांच करने के लिए जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने 10:30 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 16 लोग अनुपस्थित मिले हैं, जिनका एक दिन का वेतन रोकते हुए नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सीएमओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था। इसमें ये पाया गया कि वहाँ पे 16 कर्मचारी एवं डॉक्टर अनुपस्थित थे और अनुपस्थिति के क्रम में उनका वेतन रोका गया है और सीएमओ साहब बिना अपना मूवमेंट जारी किए गए निरीक्षण कर रहे थे, उस क्रम में उनका भी स्पष्टीकरण हुआ गया। कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने जनहित के लिए नए एम्बुलेंस को खरीद कर आमजन को समर्पित किया। वहीं अध्यक्ष ने पूजन करने के बाद हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। इस दौरान पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क सफाई के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश भर में ईद मनाई गई, वहीं संभल में ईद की नमाज पढ़कर आ रहे नमाजियों पर मुसलमानों के दूसरे गुट ने हमला कर फायरिंग कर दिया। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम सधीरनपुर से आज सुबह यह जानकारी प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच में आपस में पुराने विवाद को लेकर संघर्ष हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने व अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। यह प्राप्त हुआ है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। एक पक्ष से गुलाम मुर्तजा फिरोज घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से मुजीब घायल हुए हैं। तीनों जो घायल हैं उनको उपचार हेतु रवाना किया गया है। मौके पर जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था इस समय पूरी तरह से कायम है। पुलिस मौके पर उपस्थित है। ये लोग सब नमाज पढ़ के निकल रहे थे, अचानक से 8-10-12 लोग सब लगभग आए, सबके हाथों में डंडे और तमंचे, बंदूकें और ईंटें वीटें वगैरह थी और आते ही शुरू कर दी जी लड़ाई, एकदम गोली चलानी शुरू कर दी। कौन लोग हैं वो? कासिम है और आकिल है, उसके भाई हैं 4-5 और तजम्बुल है, 4-5 और लोग हैं जो उनके साथ में थे। कोई पुराना विवाद था? कोई नहीं, पुराना तो कोई ऐसा विवाद नहीं है, सारे खत्म हो चुके हैं पुराने विवाद तो, बाकी अब दोबारा नए करना चाह रहे हैं सही सारे। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में मतदान 31 मई को होगा और रिजल्ट 3 जून को घोषित किए जाएंगे। वहीं बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में पहले से ही जुट गई थी, जहां खुद मुख्यमंत्री चंपावत में रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में अब घोषणा ही हो गई है, जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आप नेता और यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है और कहा कि यूपी पुलिस हत्या और बलात्कार में नंबर 1 हो गई है। संजय सिंह ने आए दिन राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गैंगरेप की पीड़िता न्याय के लिए थाने पहुंची तो दरोगा ने भी उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी, आपकी पुलिस ने चंदौली में एक बेटी की हत्या की, ललितपुर में किशोरी से बलात्कार किया, इन खाकी वर्दी के दरिंदों पर कब बुलडोजर चलेगा। जालौन में पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एसओजी सर्विलांस और यूपी पुलिस ने बुंदेलखंड के जिलों में गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है, जहां पुलिस की टीम ने इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 56 किलो, 300 ग्राम गांजे के साथ 1 लाख रुपए और 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दूसरे प्रदेश से गांजा लाकर के बुंदेलखंड समेत दूसरे जिलों में सप्लाई करता था। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां जेल कर्मचारी से बदमाशों ने चैन और नकदी लूटकर फरार हो गए। बता दें कि पत्नी और बच्चों के साथ कर्मचारी घर जा रहा था। कर्मचारी के सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। ये पूरा मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र का है। बस्ती में गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां सुबह किराना स्टोर में अचानक आग लग जाने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किराना की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं दुकान मालिक विजय लक्ष्मी और उनके पति ने ये आरोप लगाया है कि हमारी दुकान में कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगाई है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में घायल पति पत्नी को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। ये घटना मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बीरगंज शिकारी के पास का है। लखनऊ में कोरोना की सरकारी गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुडम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात जमकर डीजे चलाया गया, वहीं पुलिस भी डीजे की धुन का आनंद ले रही थी। लखनऊ में मरीजों को बाहर की दवा ना लिखना डॉक्टरों को भारी पड़ रहा है, जहां मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ठाकुरगंज स्थित टीवी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जौनपुर में बहनोई के संपत्ति के लालच में सालों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न सिर्फ बहनोई की हत्या कर दी, बल्कि बहन को भी मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।